छत्तीसगढ़ में कल यानी 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। मंगलवार को हुए प्रथम चरण की 20 सीटों पर मतदान हुए हैं। मतदान के बाद निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि पहले चरण में कुल 76.47% मतदान हुआ है। पहले चरण के चुनाव के दौरान तकनीकी समस्याओं के चलते 62 कंट्रोल यूनिट और 123 वीवीपैट बदले गए हैं। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 84.65% और बीजापुर में सबसे कम 46% मतदान हुआ है। केशकाल में बैलेट बॉक्स जमा कर घर लौटते वक्त हादसा हुआ था। कुल 3 जगहों पर हुई नक्सली वारदातें भी हुई है। नक्सली घटना में प्रभावित जवानों का रायपुर के विभिन्न हॉस्पिटलों में उपचार चल रहा है। विधानसभा के जो प्रथम चरण के 20 विधानसभा सीटें हैं उनमें 7 नवंबर को मतदान था और वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। जो विधानसभा क्षेत्र 7 नवंबर को मतदान हुआ था वहाँ पर जो अनंतिम आंकड़ा मतदान का है यानी कि क्लोज ऑफ पोल का आंकड़ा वो 76.47% है। एंड ऑफ पोल के जो आंकड़े हैं वो हम आज शाम तक रिलीज़ करेंगे। ये जो आंकड़े हम आपके साथ आज शेयर करेंगे ये क्लोज ऑफ पोल के विधानसभावार आंकड़े हैं। कुल अभ्यर्थी जो है इस जगह पर 223 198 पुरुष और 25 महिला अभ्यर्थी थे और प्रथम चरण में जो है 20 सीटों पर कुल मतदाता 40,78,000 की संख्या में रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में जो तकनीकी समस्याओं के कारण ईवीएम खराबी हुई और जो ईवीएम बदले गए हुए थे वो टोटल 62 बैलेट यूनिट्स थे, 54 कंट्रोल यूनिट्स और 123 वीवीपैट्स थे और 5,304 ऐसे मतदान केंद्रों में से 2,431 मतदान केंद्रों का सीधे वेबकास्टिंग हुआ था। प्रथम चरण में मतदान हेतु मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल रहा और लोगों ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए भी स्वतः मतदान की अपील की और मतदाताओं में जागरूक करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी हमने सहयोग लिया था। खास तौर से यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्रों में से ऐसे 126 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे जहाँ पर प्रथम बार जो है मतदान स्वतंत्रता के बाद एक मतदान केंद्र स्थापित हुआ था और वहाँ ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला।